आज का जो हमारा वीडियो है वो है ड्रिल मशीन के ऊपर। ये मैंने बॉस की ड्रिल मशीन ली है। ये कोई अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो चार मेन मशीन होती हैं जो हम लोग होम और प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, 10, 10RE, 13, 13RE। इन चार मेन मशीन में डिफरेंस क्या होता है और कौन सी मशीन लेना चाहिए, और साथ ही हमको कॉर्डलेस मशीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं क्या है हमारी इस ड्रिल मशीन किट में। तो ये है हमारी बॉस की किट। अगर मैं इसके प्लास्टिक की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, प्लस यहाँ पे एक बहुत अच्छी मोटी सी रॉड डाली हुई है जिससे इसकी क्वालिटी और बढ़ जाती है, और ये पकड़ने में भी बहुत इजी है। और अगर मैं आप देख पा रहे तो यहाँ पे लॉक सिस्टम भी है, आप इसको लॉक भी कर सकते हैं इस किट को। और जो इसके बटन है ये भी बहुत क्यूट से हैं। तो बेसिकली किट तो इनने बहुत अच्छी बनाई है। अब इस मशीन के अंदर क्या क्या आता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो इस मशीन के अंदर ये हो गई हमारी ड्रिल मशीन, और इस ड्रिल मशीन के बाद यहाँ पे हो गए टूल्स, यहाँ पे बिट, ये वुड की है, कंक्रीट की है, फिर ये मेटल की हो गई, यहाँ पे कुछ स्क्रू हैं। जो चार मेन मशीन में डिफरेंस होता है, 10, 10RE, 13, 13RE, वो मैं आपको बताते जाऊँगा, प्लस ये मशीन के फंक्शंस क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा, और लास्ट में आपको बताऊँगा कि कौन सी मशीन खरीदना चाहिए। 10, 10RE, 13, 13RE, इसमें ये 10 और 13 होता क्या है, ये 10 और 13 होता क्या है? तो ये होता है चक साइज, इसको बोलते हैं चक। तो मेरा जो चक है ये 10mm का है, 10mm का चक है, तो इसमें मैक्सिमम 10mm की ही बिट आ सकती है। ये देखिए, ये मेरी बिट है 10mm की, तो मैं इसमें ये ही लगा सकता हूँ। और अगर आप 13mm का लेंगे तो उसमें आप 13mm तक का लगा सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है 10 और 13 का। इसके बाद जो डिफरेंस है वो है वॉट का। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कोई भी मशीन लें, भले वो वुड कटर मशीन हो, हीट गन हो, एयर ब्लोअर हो या ड्रिल मशीन हो, उसमें आप वॉट वो चूज़ करें जो 450 से लेके 700 का होता है। अब जो 10, 10RE है इसका वॉट है 500, और जो 13, 13RE है उसका वॉट होता है 600। ये हो गया इनपुट वॉट। आउटपुट वॉट की बात करें तो 10, 10RE का आउटपुट वॉट है 250, और 13, 13RE का आउटपुट वॉट है 301, जो अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। आप कोई भी मशीन लीजिए, ब्रांडेड लीजिए, अनब्रांडेड लीजिए, मगर वॉट का जो ब्रैकेट है वो हमेशा याद रखिए 450 to 700, वो ड्रिल मशीन बेस्ट होंगी। अब जब वॉट आपका अच्छा होगा तो RPM अच्छा होगा। अब 10, 10RE का जो RPM है वो है 2600। RPM क्या होता है, रोटेशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में आपकी मशीन की जो मोटर है वो 2600 बार घूमेगी। ये हो गया 10, 10RE का। और जो 13, 13RE है उसका और ज़्यादा है, वो है 2800, जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया है, 2800 बार घूमेगी। और जितना ज़्यादा RPM होगा उतनी मशीन आपकी अच्छे से वर्क करेगी। अब ये RE क्या होता है, 10, 10RE, 13, 13RE, तो RE मतलब होता है रिवर्स। अब अगर आप 10 या 13 मशीन लेंगे तो उसमें रिवर्स ऑप्शन नहीं आता है, वो सिर्फ क्लॉकवाइज मशीन घूमेगी। और अगर आप 10RE या 13RE लेंगे तो आपका ये चक है ये क्लॉकवाइज भी घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इससे स्क्रू भी लगा सकते हैं और स्क्रू खोल भी सकते हैं, मगर 10 और 13 में आप स्क्रू खोल नहीं सकते हैं, ना ही स्क्रू लगा सकते हैं। तो अगर आपको चाहते हैं कि मशीन से कोई ऐसा स्क्रू जो आपके हाथ से नहीं खुल रहा है, बहुत टाइट है, तो आप इस मशीन की मदद से खोल सकते हैं। इसके बाद जो मेन डिफरेंस है वो है वेरिएबल स्पीड का। हर कोई चाहता है कि मेरी मशीन में वेरिएबल स्पीड हो, तो आपको वेरिएबल स्पीड मिलेगी सिर्फ 10RE और 13RE में, और 10 और 13 में कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड मतलब आपने ट्रिगर दबाया तो वो एक ही स्पीड में घूमेगी, बट 10RE 13RE का आप RPM अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। कैसे, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अब मैं आपको इस मशीन के फंक्शंस बताता हूँ और इसके अंदर जो रिवर्सिबल ऑप्शन है वो बताता हूँ। आपको ये दिख रहा है हैमर का ऑप्शन, ये जरा मैं थोड़ा आपको पास से बताता हूँ। तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर हैमर बना हुआ है और यहाँ पे एक ड्रिल की बिट बनी हुई है। हर मशीन में ये बना रहता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड होगा या राइट हैंड साइड होगा, मेरा बॉस की मशीन में ऊपर है। तो अभी ये ड्रिल बिट के साइड में है, इसका मतलब अभी आप इसको वुड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं इसको इस तरफ कर दूंगा तो अब आप इसमें वॉल में छेद कर सकते हैं या फिर कंक्रीट के अंदर ड्रिल कर सकते हैं। तो आप वो मशीन लीजिए जिसके अंदर हैमर का ऑप्शन हो, और अगर जिसके अंदर हैमर का ऑप्शन नहीं होगा तो फिर आप वॉल में ड्रिल नहीं कर पाएंगे। अब दूसरी बात, इसका रिवर्सिबल ऑप्शन, मैं आपको जरा इसको थोड़ा पास से दिखाता हूँ ताकि आप क्लियरली देख सकें। ये आप देख रहे हैं, अब ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और इसमें वेरिएबल स्पीड है 0 to 2600। मेरा 10RE है इसलिए इसका RPM 2600। यह है इसकी फुल स्पीड।
और अगर आप 10 लेंगे तो वो कांस्टेंट स्पीड में घूमेगा, मेरा 10 आ रही है इसलिए मैं इसको अपने हिसाब से घुमा सकता हूँ। ये इसलिए काम में आता है क्योंकि आप स्क्रू लगाएंगे तो आपको कभी धीरे घुमाना पड़ेगी, कभी आपको तेज़ घुमाना पड़ेगी। तो अभी ये घूम रही है क्लॉकवाइज, और ये जो बटन आपको दिख रहा है ये देखिए इस तरफ ये वाला, अगर आप इसको इस तरफ पुश कर देंगे तब अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए। अब इससे आपका स्क्रू खुल जाएगा, पहले जो क्लॉकवाइज था उससे आप स्क्रू लगा सकते थे, अब आप इससे स्क्रू खोल सकते हैं। इसमें भी वेरिएबल स्पीड है। अब बात करते हैं इसके वेट की। तो 10 आरी का वेट होता है 1.5 kg, 13 आरी का वेट होता है 1.7 kg। इसके बाद अगर आप और ज़्यादा mm की लेते हैं, 16 mm, 18 mm, 26 mm, तो ड्रिल मशीन के वेट अकॉर्डिंगली बढ़ते जाएंगे। अब बात करते हैं इसके प्राइस पॉइंट की। अगर आप ये सिंगल यूनिट लेंगे ड्रिल मशीन का तो ये आपको आएगा 2000 का, और अगर आप ये पूरी किट लेंगे तो ये आपको आएगी पूरी 3000 की। मगर इसका जो प्राइस है वो बहुत वेरिएशन करता है, ऊपर नीचे बहुत होता है, तो ये आपको कुछ 2800 से लेके 3600 रुपए के बीच में आएगी। तो आप ये तब बाय करें जब इस पर अच्छा ऑफर हो। अब बात करते हैं कॉर्डलेस ड्रिल मशीन की, कि उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये जो ड्रिल मशीन है ये आती है 2000 से लेके 3000 रुपए तक की। वैसे ही कॉर्डलेस ड्रिल मशीन भी आती है सेम रेंज में, 2000, 2500, 3000 की रेंज में, मगर वो इंपैक्ट ड्रिल मशीन नहीं होती है। इंपैक्ट ड्रिल मशीन को हम हैमर ड्रिल मशीन भी बोलते हैं। अगर आपको कंक्रीट के अंदर छेद करना है तो आपको हैमर ड्रिल मशीन ही लगेगी। मगर जो कॉर्डलेस ड्रिल मशीन होती है, जिसका मैंने आपको प्राइस रेंज बताया 2500 से लेकर 3500, 4000, वो इंपैक्ट ड्रिल मशीन नहीं होती है। उसमें सिर्फ आप वुड के अंदर छेद कर सकते हैं या फिर स्क्रू खोल सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। हाँ, अगर आपको कॉर्डलेस ड्रिल मशीन चाहिए जो कंक्रीट में छेद कर सके, फिर उसका प्राइस आता है 8000 से लेके 12000 रुपए तक के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है, इसलिए मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। सेकंड चीज़, अगर आप कॉर्डलेस ड्रिल मशीन लेते हैं तो आपको उसकी बैटरी हर 2 साल में चेंज करना पड़ेगी। मगर अगर आप सिंपल ड्रिल मशीन लेते हैं वायर वाली, तो इसमें कुछ बैटरी का झंझट नहीं रहता है। कॉर्डलेस ड्रिल मशीन में आपको 1000, 1200, 1500 का एक खर्चा 2 साल में एक बार आएगा, क्योंकि उसकी बैटरी आपको चेंज करना पड़ेगी। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा आपको ये मशीन। अब 10 आरी, 13 आरी, इन चार मशीन में से मैं आपको रिकमेंड करूँगा 13 आरी। खैर, मैंने 10 आरी लिए, मगर मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कभी अगर आपको 12 mm का बिट लगाना हो तब आप इसमें नहीं लगा सकते हैं। आपको या तो मशीन रेंट पे लाना पड़ेगी या फिर ये दूसरा चक खरीदना पड़ेगा। ये चक का प्राइस आता है 400 से 600 रुपए तक का, तो ये खैर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको लेना है तो आप लीजिए 13 आरी। अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।